फाइनली वो घड़ी आ चुकी है। पिंजौर गार्डन के अंदर बहुत ही रौनक लग चुकी है सीएम साहब के आने से। सारा हिसाब करके जाना है यहाँ से। देखो हिसाब क्लियर होना चाहिए, देखो क्योंकि ये मामला हरियाणा का नहीं है, ये पूरा देश का मामला है। और साइज में इतने बड़े हैं कि हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज बहुत टाइम बाद आपके सामने प्रेजेंट हुई हूँ और आज खुशी की बात यह है कि ट्राई सिटी के अंदर पिंजौर में लग चुका है 31वां मैंगो फेस्टिवल, जहाँ पर तैयारियाँ जोरों शोरों पे हो चुकी हैं शुरू। थोड़ी देर बाद यहाँ पे आने वाले हैं हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब, जो कि अभी यहाँ पे आएंगे और इनोग्रेट करेंगे। अंदर आऊँगी, सारी मूवमेंट आपको दिखाऊंगी, बने रहना वीडियो में। वीडियो सच में बहुत अच्छी होने वाली है। पीछे ढोल नगाड़े आप सुन रहे हैं, यहाँ आप देखेंगे सिक्योरिटी बहुत टाइट हो चुकी है। जाया गया हमारे पिंजौर गार्डन को, पूरी छतरियाँ वगैरह पूरा डेकोरेट करके पिंजौर गार्डन को सजा दिया गया है। सीएम साहब के स्वागत के लिए बुकेस रखे हुए हैं सबने। पीछे देख रहे हैं कितनी टाइट सिक्योरिटी है पिंजौर गार्डन के बाहर। अभी कुछ टाइम में सीएम साहब उपस्थित होने वाले हैं, के आने की तैयारी बड़ी जोरों शोरों पर चल रही है। बहुत सिक्योरिटी टाइट हो चुकी है, एक एक पल काटना मुश्किल हो गया सीएम साहब को देखने के लिए, और उनके मिलने वालों का जमावड़ा लग चुका है पिंजौर गार्डन के बाहर। है बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं और न्यूज वाले भी पहुँच चुके हैं। क्या रहा लड्डू? उन्हें
देखेंगे रंगोली के सुंदर सुंदर डिज़ाइन बना दिए गए हैं, बहुत ही खूबसूरत एंट्रेंस में आप देखेंगे फूलों से सजा दिया गया है पूरे मिंजोर गार्डन को। यहाँ पर बहुत बड़ा बड़ा आप नेम देखेंगे, 31st मेला ऑफ मैंगो फेस्टिवल, जहाँ पे बड़ा सा मैंगो आप देखेंगे। यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है वेलकम करने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे 100 से ज़्यादा की किस्में मैंगो की, और अंदर आके सच में चारों तरफ से मैंगो की खुशबू आ रही है, महक उठा है पूरा पिंजौर गार्डन। और जो CM साहब हैं और हेल्थ मिनिस्टर साहब हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं मैंगो का स्वाद लेने के लिए। यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के नेम्स वाले मैंगो मिल जाएंगे, जो कि याद रखने बहुत मुश्किल हैं लेकिन खाने में उतने ही टेस्टी हैं जैसे यहाँ पे लगे हुए हैं प्लेट्स पे। और पूरा आप काफ़िला देखेंगे तो यकीन मानिए इस टाइम पिंजौर गार्डन के अंदर बहुत ही रौनक लग चुकी है CM साहब के आने से। बहुत लोग खुश हो चुके हैं क्योंकि उन्हें लाइव यहाँ पे देखने को मिल गए हैं CM साहब, और वो यहाँ पे आमों का स्वाद ले रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे वो देखते हुए चल रहे हैं आगे। पूरा शीश महल को फूलों से सजा दिया गया है। यहाँ पे भी आप मैंगो की डिफरेंट वैराइटीज़ देख सकते हो, और कलर्स की बात करें तो कलर्स इतने ज़्यादा है, खुशबू बहुत ज़्यादा है इन आमों की। यहाँ पे इसके नेम्स लिखे हुए हैं जो कि मैं पहली बार खुद देख रही हूँ और साइज़ में इतने बड़े हैं कि एक खा के ही पेट भर जाएगा। टूरिस्ट आ रहे हैं पिंजौर मैंगो फेस्ट को देखने के लिए, क्योंकि अब शाम का समय हो चुका है तो बहुत ही अच्छा मौसम हो चुका है, क्लाउड लगे हुए हैं और लोग आ रहे हैं मैंगो फेस्ट को देखने के लिए। देखेंगे उद्यान विभाग हरियाणा की ओर से लगा हुआ एक बहुत ही खास काउंटर, जिस पे हमें दिखने वाले हैं बहुत सारे फ्लेवर्स ऑफ पिकल्स, जूसेस, चटनी, मैंगो जैम। तो लाइव बन रहा है यहाँ पे। ये कौन से प्लांट्स हैं मैम? ये बैंगन। बैंगन के हैं ये? पेठा, पेठे की बेल। ये हमारी वर्मी कंपोस्ट। ये टमाटर हैं शायद, टमाटर के पौधे हैं। वो मिर्ची। मिर्ची। तो गाइस आप यहाँ से बेल भी ले सकते हो, फ्रूट्स के बेल भी ले सकते हो, ऑर्गेनिक चीज़ें ले सकते हो, खाद ले सकते हो, छोटे छोटे पौधे अपने घर पे लगा सकते हो। एक एक स्टॉल को देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, उनके बारे में जान रहे हैं। बड़े बड़े मैंगोज़ के साइन बनाए हुए हैं, और बड़ा खुशनुमा मौसम हो चुका है पिंजौर गार्डन के अंदर। तो बड़े से बड़े और छोटे से छोटे बच्चे बड़े खुश हैं, और कुछ ही टाइम बाद अब CM साहब नीचे जाएंगे जहाँ पे लाइव कंसर्ट शुरू होगा, वहाँ का व्यू देखेंगे वो। और मैं आपको लगातार यहाँ की अपडेट्स बता रही हूँ। यहाँ पे बड़े बड़े ऐसे बैनर्स बनाए हुए हैं जिस पर लोग सेल्फी ले रहे हैं, फैमिलीज के साथ फ़ोटोशूट ले रहे हैं। आदिवासी मुनीम अब यहाँ पे देख रहे हैं म्यूज़िक, थोड़ी देर बाद म्यूज़िक का प्रोग्राम शुरू हो जाएगा यहाँ पे आज। ले लो हमारी वीडियो, ले लो साहब, राजस्थान तक पहुँचाओ।
पूरा देश देखे ताकि वीडियो देखे। बिल्कुल देखेंगे मेरे वीडियो। मैं रह गया राजस्थान का मुनीम। अच्छा। और यहाँ आए हिसाब किताब करने के लिए। लोगों ने पैसे तो बहुत ले लिए लेकिन हिसाब नहीं करते। अरे यार, लेबा की टेम तो गुड़ किस तरह मीठा हो गया। अच्छा। लेबा की टेम आवे तो लाल पीड़ी आग दिखावे। जमानो करा सारा हिसाब करके जाना है यहाँ से। देखो हिसाब क्लियर होना चाहिए देखो, क्योंकि ये मामला हरियाणा का नहीं है, ये पूरा देश का मामला है। हिसाब क्लियर होना है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि देखो थाका मोबाइल के जरिए लोगों ने कह दूं कि तुम्हारा हिसाब किताब क्लियर रखो। अरे वाह भाई वाह, मजा आ गया। पूरे अंदर आप देखेंगे पूरे पिंजौर गार्डन के पत्ते पत्ते में पेड़ पेड़ में डेकोरेशन कमाल की है, देखने वाली है। और यहाँ पे लग गया है आपका फूड कोर्ट, जो लोग घूम घूम के थक चुके हैं वो यहाँ पे फूड का आनंद ले सकते हैं। और आप दूसरे पेड़ों में भी आम को लटकते हुए देख सकते हो। यहाँ पे सारा फूड कोर्ट है, सारे स्टेट्स का आपको फूड मिल जाएगा खाने को। जो भी आप जायका लेना चाहते हो वो यहाँ पे सारा क्या बना रहे हो हैं? पोटैटो। ये गरम गरम बन रहा है लाइव। और आलू का पेस्ट स्टिक लगा दी गई है इस तरह से। ये आलू कम लग रहे हैं मुझे, लॉलीपॉप ज़्यादा लग रहे हैं। यहाँ पे फूड आइटम्स मिल जाएंगे, हर स्टेट के फ्लेवर्स मिल जाएंगे आपको कैफेटेरिया के अंदर जो ये बनाया हुआ है यहाँ पे। जो कि पिंजौर में लग चुका है, बहुत ही रौनक लग चुकी है। ट्राई सिटी के अंदर एक से बढ़कर एक मेले लगते हैं, वो मेले आप यहाँ पे पिंजौर में भी देख सकते हो। अभी हाल ही में मैंने रोज़ फेस्टिवल को कवर किया था, उसमें भी मुझे आपने बहुत सारा प्यार दिया है। ऐसा ही मेला आप देखते रहेंगे पिंजौर के अंदर, जो कि हर साल लगता है। और 31वां मेला लग चुका है पिंजौर गार्डन के अंदर। आपको अंदर आने पर आपको बहुत सारे काउंटर दिख जाएंगे, अलग अलग फूड अलग अलग फ्लेवर्स लेके आया है पिंजौर का मैंगो फेस्टिवल, जिसमें आप अचार देख सकते हो, पिकल्स देख सकते हो, जूस देख सकते हो और आयुर्वेदिक चीज़ें देख सकते हो। और इनका प्रोग्राम अभी शुरू होने वाला है थोड़ी देर बाद। हेलो। तो इस तरह की डेकोरेशन है पिंजौर गार्डन के अंदर, बहुत ही सुंदर कमाल का डेकोरेशन किया गया है 2024 के मैंगो फेस्ट में। दोस्तों अगर अभी तक आप पिंजौर गार्डन के अंदर मैंगो फेस्ट में नहीं आए हैं तो जल्दी से आ जाइए, ये मेला आपका शुरू हो चुका है आज से, यानी कि दिनांक 12 जुलाई से 14 जुलाई तक आप इस मेले को देख सकते हैं। यहाँ पे आप बहुत तरह के कॉम्पिटिशन देखेंगे, सिंगिंग डांसिंग रंगोली कॉम्पिटिशन, बहुत कुछ तरह का आप इन 3 दिनों में बहुत कुछ देखने वाले हैं। तो ऐसी ऐसी वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब करते रहिए, मुझे फॉलो करते रहिए और अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे। तब तक नीलम जोशी को इजाज़त दीजिए, थैंक यू एंड बाय बाय। आप मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिएगा, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है नीलम जोशी। टेक केयर एंड बाय बाय।